नमस्कार, हेलो दब सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय ललित। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ आइकन और बहुत ही प्यारे इंसान मेरे बड़े भाई द वन एंड ओनली साहिल आनंद। वेलकम भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ललित, कैसे हो? मैं भी बढ़िया भाई। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे प्यारे शहर उत्तराखंड में आए हैं, प्यारे राज्य। तो भाई आप यहाँ पे लगभग तीसरी मूवी है आपकी आई थिंक, है ना? तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताया, थोड़ा कैसा लगता है हमारा प्यारा शहर देहरादून? मतलब तीसरी बार हो गया और ऐसा होता है कि जब जब आता हूँ तो एटलीस्ट 30 डेज जरूर रहता हूँ। तो अब मेरे को इतना फेमिलियर हो गया, मुझे पता चल गया कि अच्छा ये रोड कहाँ जाएगी, वो रोड कहाँ जाएगी। एंड बहुत से लोग भी कनेक्ट कर लेते जो मैंने पहली बार से करे थे, उनके साथ आज भी कनेक्शन है। एंड जैसे सेकंड मूवी में मैं शायद तेरे को आपको मिला था, तो आज भी आपके साथ कनेक्शन है। सो कनेक्शन बहुत बने हैं देहरादून में। एंड ऑफकोर्स इट्स वेरी ब्यूटिफुल, और बॉम्बे के इतने हसल बसल के बाद आप देहरादून आओ तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग अच्छी लगती है, हर छोटी से छोटी चीज। सो इट्स लाइक माय सेकंड होम, सेकंड होम कह सकते हैं। तो भाई और लाइक अभी सिद्धार्थ शुक्ला कि अभी आपको पता ही है, तो भाई मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, मैं इतना नहीं जानता था, बट पता था मतलब इंडस्ट्री में, हाँ इंडस्ट्री में है, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था, एक बार शायद देखा था, उससे ज़्यादा नहीं जानता था। बट जब ये न्यूज़ पता चली तो ऐसा दुख हो रहा था जैसे कोई अपना या अपना बहुत ही करीबी दोस्त मेरा चले गया हो, पता नहीं का अजीब सा कनेक्ट हो गया या जो भी सुनने में आया। अब ये तो भगवान के हाथ में है, अब हार्ट अटैक आया है, ही हैड टू गेट पास अवे। मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था, कोई बीमारी थी या वो था, बट एक सडनली कम एज में जाना, इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। अब उनकी मम्मी अकेली रह गई हैं, बहने हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विदाउट एक लड़के के। एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा दुख है, और यहीं पर देहरादून में था जब मुझे पता चला है। शूट वॉज वेरी शॉकिंग। तो भाई अभी आप अपना काबूम जो आपकी थर्ड मूवी है जिसका आप यहाँ शूट कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, तो इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, चार फ्रेंड्स की स्टोरी है, और कैसे चार कॉलेज इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, क्या होता है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड इन द लाइफ, फिर कैसे एक टर्न आता है कि उनको सबक मिलता है कुछ और वो कुछ करना जी जान करने के लिए। सो एक अब मैं ये कह सकता हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स की एक कहानी है। अच्छा, कि कैसे कुछ नहीं सोचते थे और कहाँ सोचना पड़ा और कहाँ सक्सेसफुल भी हुए। दे वर नॉट दैट इंटेलिजेंट बट दे वर स्मार्ट पीपल। सो एक छोटे से देहरादून की कहानी है हमारी जो हमने दर्शाने की कोशिश करी है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रियल लोकेशन पे ही हैं, आज भी हमारी दोस्ती के ही शॉट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब सब कुछ मिक्सचर है इसमें। तो भाई अभी आप कसौटी जिंदगी के कर रहे थे, तो भाई उसमें आप बहुत नए नए लोगों के साथ आपने काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मतलब एकदम मस्ती तो रही? ऑब्वियसली मस्ती रही। देखो 2 साल रहा और ऐसे हो गया कि वो जो थी जो कास्ट थी वो एज अ फैमिली हो गई। सो आज भी ऐसे लगता है, मतलब बहुत से शोज़ बहुत सी प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़ते हैं एज एन एक्टर, एंड बहुत सी चीज़ें आपको दोस्त मिलते हैं नए, बट वो क्या होता है कई बार जब तक आप शूट कर रहे हो तब तक हैं, उसके बाद आप कैरी ऑन नहीं करते वो रिलेशंस, कहीं ना कहीं आप बिज़ी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बिज़ी हो जाते हैं। बट ये एक ऐसी कास्ट है जो आज भी हम उतना ही हमारा बॉन्ड है जितना हमारा तब था जब हम शूट कर रहे थे। सो ये जो एक अटैचमेंट है और ये जो बॉन्ड है ये आज तक है, अभी 1 साल होने को आया है उसको, 25 सितंबर को 4 साल हो जाएंगे, मतलब 1 साल होगा बंद हुए हुए तो लगभग। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि इट्स आज भी हर रोज़ हर दूसरे दिन पाठ से बात होती है, पूजा से बात होती है, शुभमी से तो रेगुलर होती है बहुत, और उदय सर से होती रहती है, आमना से होती रहती है, हीना, तो ये सारे आज एक फैमिली बन गए हैं। और हम चाहे दूर रहें, जैसे अभी मैं यहाँ 1 महीने से, बट ऐसा नहीं है कि टच नहीं है, टच में है, कभी कभी मैसेज इंस्टा ये वो कि सब सही चल रहा है, कल पार्क का गाना आया था उसका प्रमोशन गई, मतलब समझ लो एक दूसरे से हम जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रहती है हमें, और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि दूर हुए हैं। तो भाई मतलब जो आपकी और पार्थ भाई की दोस्ती है उसके बारे में कुछ मतलब कैसा रहता है?
बहुत ही अच्छी दोस्ती है यार, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी नाउ. द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज वेरी सिंपल है और ऑन द फेस है. मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो, क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि मैं जो मेरे मुंह पे होता है मैं बोलता हूँ, एंड मैं कभी झूठ या दूसरे रास्ते निकलता हूँ. मेरे बहुत डायरेक्ट है यार, मैं अगर ऐसा हूँ तो सामने वाला भी सीधा बोले ना यार मुंह पे, वो वैसा है. शायद इस वजह से हमारा बहुत कनेक्ट है, बिकॉज हम बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही रियल हैं. इस वजह से हमारा ज़्यादा एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, एंड भाइयों जैसा है, लाइक ऐसा है. एंड आपकी रियल वाइफ पूजा वो तो यार अभी भी असली हक जमाती है कि भाई मैं तेरी बीवी हूँ, मैं तेरी बीवी हूँ, मैं तेरी बीवी हूँ. भैया क्या बात, शो को बंद हो गया अब बस करो बीवी बीवी अपनी है एक. कंफ्यूजन हो जाती है तो या अभी आपका लाइक आपका बेबी हुआ है, क्या नाम रखा है? सहराज. सहराज सहराज तो भाई उनका क्या मतलब फ्यूचर, कुछ लाइक इंडस्ट्री या फिर? नहीं नहीं यार, जो मैं तो चाहता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन बने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में था, और एक चीज़ क्रिकेट में बहुत अच्छा था मैं, बट ड्यू टू पढ़ाई 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 घरों पेरेंट्स नहीं बन पाया. मैं चाहता हूँ कि यार उसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊँ, पता नहीं बहुत चाह है. और अभी ओलंपिक्स में भी इतने और स्पोर्ट्स हमें डिस्कवर करने को मिले हैं, एंड सो मेनी थिंग्स, सो इट्स ऑल अप टू हिम. मैं कभी कोई फोर्स नहीं करने वाला, उसको पसंद आएगी एक्टिंग तो एक्टिंग करे, नहीं आएगी तो नहीं. मतलब मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स खेले वो. या एंड भाई आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी खेली, तो उसके बारे में कुछ, उसका एक्सपीरियंस आलिया वरुण? हाँ, इनके साथ जैसे फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. मुझे लगता है कि अब तीसरी भी बनी थी उसमें भी मेरे को रखेंगे. मतलब एक लकी चार्म टाइप्स हो गए हम भैया. मतलब कह सकते हैं कि जिसमें जाते हैं हिट हो जाता है. हाँ, सो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. फर्स्ट का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सेकेंड का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो इट्स ऑल अबाउट, बट फर्स्ट में ज़्यादा कनेक्ट कर पाया था लोगों से, वरुण से, आलिया से, मंजोत से. तो यही है कि सेकंड में इतना हमारा स्टूडियो में शूट था तो इतना नहीं है, मंजोत मिला था वापस. एंड एक्सपीरियंस एज यूजुअल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज स्टूडेंट ऑफ द ईयर. एंड भाई जैसा आप रियलिटी शोज का सर रोडीज स्प्लिट्स फिला बिग बॉस, तो क्या लोग सोचते हैं कि भाई ये फिक्सिंग वाला है, सेटिंग वाला सीन है, तो क्या थोड़ा बताओगे लोगों को अपने काबू में स्टाइल में? क्या जी, मैं जो बोलता हूँ मतलब रियलिटी इट्स जो हम लड़ाई कर रहे होते हैं अंदर वो रियल होता है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो वोट आउट्स होते हैं दैट इज़ मैनिपुलेटिव, दैट इज़ फिक्स्ड ऑल्सो. जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस से मुझे लगता है, मे बी आई एम नॉट ट्रू दैट मच ट्रू, बट देन आई थिंक दैट्स माई परसेप्शन. तो भाई जो अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या आने वाला है? अभी मेरी एक MX पे सीरीज़ आने वाली है जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, डबिंग हो चुकी है उसकी. बस अभी उसकी रिलीज डेट का है कि कब रिलीज़ होगा. आई थिंक विद इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ हो जानी चाहिए, और उसके बाद ये काबूम है. तो भाई जो आपसे इंस्पायर्ड है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरे लोग मुझसे इंस्पायर्ड हैं कि मेरा कोई नहीं था इस फील्ड में, मैंने अपने आप कोशिश करी है और कभी गिव अप नहीं करा है. सो आप कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, आपका आप शायद जॉब करते होंगे, बट आप चाहे अपना बिजनेस होगा, आप चाहे इस मेरी ही फील्ड में हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ डोंट एवर गिव अप इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. यही मेरा फंडा है. मैं कभी भी एक भी दिन मेहनत करने से नहीं रुकता, और जी जान लगा देता हूँ हर चीज़ के लिए. सो ये कलेक्टिवली एक मैं कहना चाहूँगा कि जस्ट फंडाइज, डोंट गिव अप, जस्ट गो फॉर योर गोल. एंड आई एम श्योर कि जब आप जी जान अपना दिल दिमाग सब लगा देंगे उस चीज़ को पाने के लिए, तो आपको वो ज़रूर मिलेगी. तो भाई जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज? फैंस के लिए कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच. आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पांस, विद द लव यू गिव मी. मैं कहीं भी शूट करता हूँ तो वो दिखता है, क्योंकि बॉम्बे में एज सच इतना वो नहीं है, है बट इतना नहीं है कि हो सर. यहाँ आकर पता चलता है कि आप कुछ हो, यू नो. सो जब जब आप बॉम्बे से बाहर निकलते हो तब आपको समझ में आता है. एंड बस शूट के लिए निकलते हैं, जब शूट करते हैं तो लोगों का जैसे प्यार देखता हूँ. मतलब छोटे से छोटे गांव में जाऊँगा, वहाँ पे भी अगर लोग पहचान रहे हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू एंड दैट यू कीप लविंग मी. एंड बाकी इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ये मेरा भाई जैसा है छोटा, बहुत साल हो गए इसको इसके साथ. एंड जेम ऑफ अ पर्सन. एंड और इंटरव्यूज कर और बढ़ जहाँ तुझे करना है, जो बनना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.